लीजिए आशुतोष विश्वकर्मा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम लेके आए हैं ढोलक पर रूपक ताल हम किस प्रकार से बजाते हैं। मित्रों, रूपक ताल बॉलीवुड के कई फिल्मों में, यह ताल बहुत सारे गानों में बजाई गई है। तो रूपक ताल हमारी कितनी मात्रा की होती है? ती ती ना धी ना धी ना, 7 मात्रा की होती है। तो आइए जानते हैं रूपक ताल को हम किस प्रकार से बजाते हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें। अभी तक हमने 12-13 वीडियो ढोलक की अपलोड की है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, जो हमारे रोज डलने वाले एक एक वीडियो है आप लोगों के लिए अपने आप मिल जाएंगे। तो मित्रों, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे लिए ऐसे ही आशीर्वाद अपना देते रहें कि हम ऐसे ही आगे बढ़ें। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। रूपक ताल 7 मात्रा हम किस प्रकार से बजाते हैं, ये हमारी रूपक ताल है। सबसे पहले मैं आपको बजा के दिखा रहा हूं, सुने। बहुत सारे गाने गाए गए हैं, जैसे आप कोई भी गाना ले लीजिए, किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तो ये हमारी रूपक ताल है। इस गाने में 7 मात्रा रूपक ताल बजी है, ती ती ना धी ना धी ना। और आप कोई भी भजन ले लीजिए रूपक ताल में 7 मात्रा में, राम स्तुति भी श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये भी रूपक ताल में बजी हुई है, इसके लिए गाया गया है। तो आइए देखें आप रूपक ताल कैसे लगाते हैं। श्री रामचंद्र ती ती ना धी ना धी ना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले आप लोग बोल लिख लीजिए या कहीं उतार लीजिए, जिससे आपको ये बोल याद रहे। बोल होते हैं ती ती ना धी ना धी ना। हम इन बोलों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इन बोलों को देख सकते हैं। ती ती ना धी ना धी ना। तो मित्रों, हमारा ती ती कैसे बसता है? ती ती ना, ये एक विभाग हो गया, धी ना धी ना, तो इसके बीच में दो विभाग और आएंगे, मतलब ती ती ना एक हो गया, धी ना धी ना। तो आइए जानते हैं ती ती ना कैसे बजाते हैं। मित्रों, ये हमारी ताली है और ये हमारा बेस है। तो सबसे पहले सीखना है ती ती ना। तो देखें ती किस प्रकार से बजाती, ये हमारी जो आधी उंगली है इसको चांटी के नीचे साइड दबा के ती ती ना, और ये सिंगल उंगली जिस प्रकार से बजाते हैं ना, ये खुली आवाज आधी उंगली हमारा ना कहलाती है, ये हमारा ना है। तो बजाना है ती ती ना, तो ती ती ना। आवाज अलग आना चाहिए, ती अलग सुनाई देना चाहिए, ना अलग सुनाई देना चाहिए। देखें हमारी ढोलक खुद बोल रही है ती ती ना। तो ये हमारी आधी उंगली नीचे साइड चांटी के, इस ताली के नीचे साइड ती ती ना,
ये हमारा ती ती ना हो गया, इतना क्लियर है। अब धीना धीना, तो ये हमारा हो गया। इस आत को छोड़ देना है, सिर्फ ती ती ना बजाना है, ती ती ना। अब धीना धीना, तो हमारा धी किस प्रकार से बजेगा, ये हाथ हमारा सर्पाकार और इस पे ना कोई रिमूव करना है, ना इस हाथ को खिसकाना है, ना गुमकी लगाना है, सिर्फ रखना बस है। हाथ सर्पाकार करके ये रखना बस है। तो ये हमारा धी धी ना, फिर से देखें, ती 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 ना धी ना धी ना। तो ती ती ना हमने किस प्रकार बजाया, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। अब धी बजाएंगे, ती ती ना बजाना सीख गए, अब धी बजाना है तो यही उंगली को बीच में थोड़ी सी चिपका के धी ना, धी में हमारा ये वाला हाथ भी लगेगा, धी ना ये हमारी सात मात्रा ताल हो गई। अब इसी के लिए सुंदर, जिससे यह ताल और सुंदर लगे और अच्छी लगे, तो हमारे जो बड़े बड़े वादक हैं इसी में थोड़ा सा और रस डाल देते हैं, तो हमारी यही रूपक ताल ती ती ना धी धी ना ना धी धी ना ना हो जाता है। देखें ये हमारे शुद्ध बोल हो गए, ती ती ना धी ना धी ना। अब इसी को सुंदर किस प्रकार से बनाए, देखें सिंगल बजाना सीखिए सात मात्रा, ती ती ना धी ना धी ना। और जब आप बजाने लगे, बजाते बजाते सीख जाए, फिर इसी के लिए इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल के ती ती ना धी धी ना ना धी धी ना ना। धीना धीना, जब बजाते बजाते आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर ले 8-10 दिन, तो इसी में फिर धीरे नाना लगाने लगे। सिंगल तो ये हमारी मित्रों रूपक ताल। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मित्रों अपना प्यार जैसा अभी तक मिलता आ रहा है हमारे ऊपर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों जो भी और सीखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अपने मित्रों को इस वीडियो की लिंक शेयर जरूर करें, ताकि हम और आगे बढ़ सकें, आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके। अभी हमने सिर्फ ये चैनल चालू किया है, हम पर ठीक से बोल के भी नहीं बनता कैमरे के सामने, उसके बाद भी आप लोग हमें अपना प्यार दे रहे हैं। तो मित्रों ये प्यार हमेशा बना रहे, यही आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी के लिए सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।